घर का मैनेजमेंट किसी कंपनी के मैनेजमेंट से कम नहीं होता और इसके साथ ये मनी मैनेजमेंट के लिए भी अहम हो चला है। दोस्तों, अगर आप एक नौकरी पेशा हैं या आप बिजनेस करते हैं, फिर भी आपको एक निश्चित राशि चाहिए अपने घर को चलाने के लिए। और लोग अपना बजट भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये बजट बनाने के बाद भी घर को चलाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आखिर ये दिक्कतें क्यों आ रही है और कैसे इन दिक्कतों से बचा जा सकता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकु। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेगुलर इनकम आने के बाद भी हमें घर चलाने में आखिर क्यों दिक्कतें आती है। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम पांच ऐसी बातें हैं जिनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनसे हमारा घर का बजट जो है वो बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने घर के बजट को कैसे चलाना है और किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना है, इस पे मैंने तमाम वीडियो अपलोड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट जो है घर का बजट, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने विभिन्न तरीके के और तरह तरह के जो सैलरी वाले पर्सन होते हैं उन्हें अपने घर को कैसे मैनेज करना है, इस पे मैंने बजट तैयार कर रखा है। दोस्तों, ये वीडियो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि ऐसी पांच बातों का डिस्कशन करेंगे जिसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहली बात है, किसी भी घर में अगर पैसों को लेकर स्वस्थ चर्चा नहीं हो रही है तो ये आगे चलकर आर्थिक खतरे की आहट है। दोस्तों, अगर आप लोग घर के प्रत्येक सदस्य मिलके हम अगर अपने आर्थिक समस्या, जो भी आर्थिक स्थिति है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि घर के सदस्य में आपको बच्चों को भी शामिल करना है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे। बच्चे बहुत जरूरी हैं क्योंकि बच्चों को भी बचपन से ये सिखाना बहुत जरूरी है कि पैसों का क्या महत्व होता है और आप कितनी कठिनाई से घर में पैसे लेके आ रहे हैं, कितने मेहनत के बाद घर में पैसे आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से ही बच्चों के दिमाग में ये चीज बताएंगे उन्हें, तो वो आगे चल के पैसों की कद्र करेंगे और अनाप शनाप जो खर्चे होते हैं उससे हम बच सकते हैं। दोस्तों, मैंने ज्यादातर घर में देखा है कि जो बच्चे होते हैं वही फालतू खर्च करवाते हैं और प्रेशर आता है पेरेंट्स में कि ये खरीद दो, चाहे अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो खुद खरीद के लाते हैं। लेकिन अगर बच्चों को बचपन से ये चीज बता दिया जाएगा कि क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है, तो वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा गैर जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे ये चीज करना है कि आप हफ्ते में एक बार सभी सदस्य मिलके अपने घर के बजट के बारे में और अपने पैसों के जो भी मामले हैं उसके बारे में खुलकर डिस्कस करें। एक जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, पहले कमाई फिर खर्च फिर बचत, इसे बदलने की जरूरत है। क्योंकि हम जो ये सोचते हैं कि पैसा आया और हम पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि हमें ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये खर्चा है, लेकिन जो बचत वाला हिस्सा उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हम ये काम कर लेंगे तो अगर पैसा बचेगा तो हम उसे सेविंग करेंगे। इस कंसेप्ट को चेंज करने की बहुत जरूरी है दोस्तों। अब हमें करना यह है कि पहले कमाई फिर बचत फिर खर्च, ये चीज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम तमाम खर्च करने लगेंगे, और होता भी ऐसा है ना कि जब हमारे हाथ में पैसे आते हैं तो पहले हमें खर्च करना दिखता है, बचत के बारे में हम सोचते नहीं है, तो पहले बचत वाला जो हमारा अमाउंट है उसे अलग कर देना है और उसके बाद हमें खर्च करना है, ये चीज करना बहुत जरूरी है। बचत और निवेश, इन चीजों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से थी तो बचत करने तो मुझे शुरू से आता था, लेकिन जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि निवेश क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं था। मुझे ये जानकारी ही नहीं थी कि पैसे को कहाँ निवेश करते हैं। तो बचत करना तो मैं जानती थी और मैंने अपने घर में भी देखा था और वही चीज मैं अपने घर में भी लगातार चला रही थी। तो बचत तो हो जाते थे पैसे, और जब पैसे जरूरत पड़ते थे तो हम उसी बचत से पैसे खर्च करते थे, लेकिन निवेश के नाम
नाम पे हमारे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। तो कहना यह है दोस्तों कि अगर आप बचत करके पैसे को बचाते हैं तो वो पैसा या घर में रखा हुआ जो भी पैसा है वो आपको सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो बहुत जरूरी है कि अगर हमारे बचत किए हुए पैसे हैं तो उसका हम निवेश करना स्टार्ट कर दें, और अगर ये निवेश जो है वो हम स्टार्टिंग में ही शुरू कर देंगे तो बाद में हमें एक लार्ज समय के बाद हमें एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों यहां पे ये चीज करना है कि निवेश हमें जरूर करना है। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि बचत के मामले में हम पीछे इसलिए रह जाते हैं कि हम ये जो एक फैसिलिटी होती है ऑटोमेटिक डिडक्शन वाली, उसको हम अपने बैंक से लेते ही नहीं है। इस फैसिलिटी को अवेलेबल कीजिए। ऑटोमेटिक डिडक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे हमारी सैलरी जब आती है तो हम खर्च करते हैं, लेकिन अगर उस सैलरी के आते ही हमारा पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है, सेविंग अकाउंट में चल जाता है, तो अब हमारे पास जो लिमिटेड पैसा है उसी में हमें खर्च करना है। तो ये फैसिलिटी आप अपने बैंक से मुहैया करवाइए, ये बहुत जरूरी चीज है। दोस्तों इसके साथ एक चीज और मुझे कहनी है कि हम छोटे छोटे पैसों की कदर नहीं करते हैं। जैसे अब यहां पे मैं 10 20 या 100 50 की बात नहीं करती हूं, अगर हम छोटे छोटे पैसों को भी जमा करते हैं और हम उसका बचत करते हैं तो वो एक अच्छा अमाउंट बन सकता है। मैंने तमाम अपने सेविंग चैलेंज में आप लोगों को बताए हैं, जो मैंने मंथली चैलेंज बताए हैं जिसमें 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए इसकी जो सेविंग मैंने बताई है वो छोटे छोटे पैसे ही है, लेकिन वो छोटे छोटे पैसे आप देखो कि 30 डेज के बाद एक अच्छा अमाउंट बन जाता है और उस अमाउंट को हम कहीं निवेश कर सकते हैं। तो कहना यह है कि ऑटोमेटिक डिडक्शन करना है और उस पैसे को जैसे पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस के आरडी या फिर एसआईपी, कहीं भी आप उस पैसे को जरूर लगाएं। देखिए पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, हम कहीं लगाते हैं, तभी हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर हम सोचते हैं कि इन पैसों को हम सेविंग अकाउंट में रखते जाते हैं तो उससे हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। दोस्तों लास्ट चीज मुझे यहां पर यह कहना है कि जैसे हम सफर करते हैं, जब हम यात्रा करते हैं कहीं, तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि हम सारे पैसे एक ही पर्स में लेके नहीं चलते हैं। हम अलग अलग जो पर्स का अलग अलग जो पार्ट होता है उसमें हम कुछ कुछ पैसे रखते हैं, कुछ पैसे कहीं और रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ इमरजेंसी में पैसा रहे और हम बाहर जा रहे हैं तो उसको हम यूटिलाइज कर सके। तो सेम चीज हमारा यहाँ पे जो हम घर का बजटिंग करते हैं उसमें भी ये चीज आता है, हमें अलग अलग चीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कुछ पैसों का हमने एफडी में किया, कुछ पैसे हम पीपीएफ में कर रहे हैं, कुछ पैसे हम एसआईपी में कर रहे हैं। इस तरह से हमें पैसों को अलग अलग निवेश करना बहुत जरूरी है। अगर एक ही जगह अपना सारा पैसा हम कलेक्ट करने लगेंगे तो हमें वो पैसा बहुत ज्यादा दिखेगा और हमें चुल मच जाएगी कि हमारे पास इतना पैसा है। इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है कि हम अलग अलग अपने पैसे को इन्वेस्ट करें दोस्तों। और कहा भी गया है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए, इसका अर्थ आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसी बातें बताई जिसको हम अच्छी तरह से अगर सोच समझ के करते हैं तो हमारा घर का बजट कभी नहीं बिगड़ेगा और रेगुलर इनकम आने के बाद भी हमारा घर बहुत अच्छे ढंग से चल सकता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं और आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में सेम यही जो रियल लाइफ विद टुकू का यही नाम है मेरा इंस्टाग्राम आईडी का भी, और इसके साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फिर मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।